अद्भुत है ये। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में हूँ और यह है सफर जायके का। मैं इस वक्त मेरठ की नई सड़क पर शीतल जी के नाम से एक न्यूली ओपन फूड ज्वाइंट के अंदर खड़ा हूँ। दिल्ली रोड पर इनका एक और रेस्टोरेंट है जो काफी सालों से ये लोग चला रहे हैं। ये जो इनका आउटलेट है ये बिल्कुल एक रिसेंटली ओपन आउटलेट है। यहाँ पर ये चाप की रेसिपी सर्व कर रहे हैं, सोया चाप की काफी सारी वेराइटीज ये लोग यहाँ पर सर्व कर रहे हैं और लोग इनकी सोया चाप को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आज मैं आया हूँ शीतल जी और मैं यहाँ पर टेस्ट करूंगा सोया चाप के डिफरेंट आइटम और उसके अलावा हम देखेंगे शीतल जी के कौन से ऐसे जायके हैं जो यहाँ से हम आप तक पहुंचा सकते हैं। ये बेसिकली एक मल्टी कुजीन स्ट्रीट फूड ज्वाइंट है। यहाँ पर आपको चाप के डिफरेंट फ्लेवर्स भी मिल जाएंगे, उसके अलावा यहाँ पर पुरानी दिल्ली की तंग गलियों की चाट भी आपको मिलेगी, उत्तर भारत का स्ट्रीट फूड भी आपको यहाँ मिल जाएगा, इंडियन चाइनीज स्ट्रीट फूड भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो बेसिकली हम इसको एक मल्टी कुजीन स्ट्रीट फूड ज्वाइंट कह सकते हैं जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रीट फूड मिल जाएगा। तो आइए आज के एपिसोड में हम आपको रूबरू कराते हैं मेरठ के शीतल जी में स्ट्रीट फूड के लाजवाब जायकों से। मेरठ की नई सड़क पर शीतल जी में जायके के सफर की शुरुआत एक राज कचौरी के साथ। कमाल का प्रेजेंटेशन है इस राज कचौरी का, देखने में मुझे काफी टेम्पटिंग लग रही है। मैं इसको टेस्ट करता हूं और देखता हूं इसका जायका कैसा है। इस राज कचौरी के ऊपर इन्होंने एक पनीर का क्यूब भी सर्व किया है लाइक अ चेरी ऑन द टॉप। चुकंदर और अनार के दाने की गार्निशिंग की हुई है, काफी सारा दही है इसके अंदर, सौंठ की चटनी है और साथ में ग्रीन चटनी भी है। ऊपर से इन्होंने थोड़े से सेव स्प्रिंकल किए हैं इस पे। ये पनीर वाली राज कचौरी मैं पहली बार खा रहा हूं, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल जैसे आपको चांदनी चौक की तंग गलियों में राज कचौड़ी खाने को मिलेगी, वैसे ही राज कचौड़ी मेरठ के शीतल जी में मुझे खाने को मिली है। इस राज कचौड़ी की खासियत यह है कि इसके अंदर परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्पाइसेस है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मसालों का, बहुत बढ़िया है। मेरठ में शीतल जी की राज कचौड़ी के लिए मेरी रेटिंग है 9/10। एकदम मजा आ गया है, मुंह में रखते ऐसा घुला एकदम, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है। हमारा सेकंड टाइम विजिट है, आज हमने इनकी दो तीन आइटम टेस्ट करी हैं, तो गोलगप्पे भी और टिक्की भी। इससे पहले हमने चाप खाई थी और बेहतरीन जो पहले खुले हुए थे सब फेल हो गए इनके सामने। आज हमने नई सड़क
पर नया ओपन हुआ है शीतल जी, उसमें आज हमने गोलगप्पे खाए हैं। बहुत अल्टीमेट स्वाद है, इतने अच्छे गोलगप्पे कहीं नहीं खाए मेरठ में, बहुत बढ़िया गोलगप्पे। राज कचौरी के बाद अब इस वक्त मेरी टेबल पर दही वाले गोलगप्पे हैं। बेसिकली इन्होंने पानी पूरी के अंदर काफी सारा दही और उसके साथ दूसरे स्पाइसेस को ऐड करके और इसके दही वाले गोलगप्पे बनाए हुए हैं। यही गोलगप्पा आपको मुंबई में जाके पानीपुरी के नाम से खाने को मिलेगा। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके में इसको गोलगप्पा कहा जाता है, और अगर आप लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ में इसी गोलगप्पे को बताशे के नाम से जाना जाता है। मैं इसको टेस्ट करता हूँ और आप तक पहुंचाता हूँ इसका जायका। गोलगप्पे के अंदर आलू की फिलिंग है, साथ में काफी सारा दही है, सौंठ है और ग्रीन चटनी है, ऊपर से चुकंदर और अनारदाने की गार्निशिंग, बहुत बढ़िया। इस दही वाले गोलगप्पे के लिए मेरी रेटिंग है 8/10। अब इस वक्त मेरी टेबल पर है एक बहुत ही अनोखा आइटम जिसको मोंगलेट कहा जाता है। जो इसका बेस है वो मूंग की दाल का बना हुआ है, तवे के ऊपर मूंग की दाल को स्प्रिंकल करके उसके बाद इसको काफी देर तक पकाया जाता है। ऊपर से इसमें टोमेटोज की, ग्रीन चिलीज की और काफी सारे स्पाइसेस की टॉपिंग्स हैं, साथ में मीठी चटनी और ग्रीन चटनी। जिस तरह से पिज्जा बनाया जाता है उसका बेस होता है और उसके ऊपर से टॉपिंग्स लगाई जाती हैं, इसी तरह से इसमें मूंग की दाल का बेस बनाया गया है और ऊपर से काफी सारी टॉपिंग्स इसके अंदर ऐड की गई हैं, काफी सारे मसाले इसके अंदर डाले गए हैं। कमाल का जायका है इसका, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड मूंग की दाल का बेस बनाकर और उसके ऊपर काफी सारे वेजिटेबल्स जिसमें टोमेटोज भी हैं, ग्रीन चिलीज भी हैं, कैप्सिकम भी है, उसकी टॉपिंग की हुई है और तवे पे इसको शैलो फ्राई किया हुआ है और काफी देर तक तवे पे इसको पकाया गया है। जबरदस्त जायका है इसका, बहुत उम्दा है। शीतल जी के मूंगलेट के लिए मेरी रेटिंग है 9/10। डिनर की शुरुआत एक एपेटाइजर के साथ। इस वक्त मेरी टेबल पर टोमेटो सूप है, हरी धनिया की और क्रीम की हल्की सी गार्निशिंग इसके अंदर की हुई है। देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको टेस्ट करता हूं और देखता हूं इसका फ्लेवर कैसा है। बिल्कुल माइल्ड स्पाइसेस के साथ टोमेटो सूप, बहुत बढ़िया है। शीतल जी के इस टोमेटो सूप के लिए मेरी रेटिंग है 8/10। एक बढ़िया एपेटाइजर के बाद अब इस वक्त मेरी टेबल पर
केएफसी चाप है, बेसिकली ये क्रिस्पी फ्राइड चाप है। काफी सारे आउटलेट जो चाप सर्व करते हैं, सोया चाप सर्व करते हैं, वो इसको बेबी डॉल के नाम से सेल करते हैं। शीतल जी में इसे केएफसी चाप कहा जाता है। इसको बेसिकली मैरिनेट करके और डीप फ्राई किया हुआ है। प्रेजेंटेशन कमाल का है। मैं इसको टेस्ट करता हूं और देखता हूं इसका जायका कैसा है। साथ में शेजवान सॉस और मोमोज के साथ जो सॉस सर्व किया जाता है, मोमो सॉस, वो भी साथ में। शीतल जी की केएफसी चाप कमाल की है, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल माइल्ड स्पाइसेस हैं इसके अंदर, ज्यादा स्पाइसी नहीं है। काफी अच्छे से मैरिनेट करके इसको डीप फ्राई किया हुआ है। काफी अच्छी क्वालिटी है चाप की, बिल्कुल फ्रेश चाप का इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है। खास बात यह है कि मोमो सॉस और शेजवान सॉस के साथ इस केएफसी चाप का जो कॉम्बिनेशन है कमाल का है। शीतल जी की केएफसी चाप के लिए मेरी रेटिंग है 9/10। केएफसी चाप के बाद अब इस वक्त मेरे टेबल पर क्रिस्पी फ्राइड मोमोज हैं। अभी तक जितने भी आइटम्स मैंने टेस्ट किए हैं, सारे आइटम्स का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। फ्राइड मोमोज का भी बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है। ये जो पूरा प्लेटर है, इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके प्रेजेंट किया गया है। साथ में हमारे पास मोमो सॉस है, शेजवान सॉस है और मायोनीज भी है। सबसे पहले मैं इसको मोमो सॉस के साथ टेस्ट करता हूं। शेजवान सॉस, और अब मायोनीज के साथ। शीतल जी के ये जो मोमोज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बेसिकली क्रिस्पी फ्राइड मोमोज नहीं है। जो नॉर्मल मोमोज होते हैं उन्हीं को इन्होंने फ्राई किया हुआ है, इसको डीप फ्राई किया हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा ऑयली नहीं है मोमोज। बहुत बढ़िया फीलिंग है, थोड़ा सा स्पाइसी रखा गया इसको। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी फूड पसंद करते हैं तो ये मोमोज आपको यकीन पसंद आएंगे। फ्रेश मायोनीज के साथ फ्राइड मोमोज का जायका कमाल का है, बहुत उम्दा है। साथ में थोड़ा सा सैलेड भी सर्व किया गया है, ताकि आप मोमोज के साथ सैलेड का भी आनंद ले सकें। शीतल जी के फ्राइड मोमोज के लिए मेरी रेटिंग है 9/10। मेरा नाम विनीत चौधरी है, मैं शीतल जी पे पहले भी आ चुका हूँ और आज भी आया हूँ। मैंने पहले मलाई चाप ऑर्डर करा था, काफ़ी टेस्टी था और काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर पहली बार आया हूँ मैं और मैंने अभी हमारे बटर मलाई चाप ही ली है और मतलब टेस्ट सच में मतलब इतना अच्छा मलाई चाप मैंने शायद ही कहीं खाई हो। लाइक रियली टेस्टी काफ़ी है, बटर वगैरह और चटनी काफ़ी टेस्टी है।
सेकेंड टाइम आ रहा हूँ चाप के लिए। यहाँ की चाप यूनिक है काफ़ी, मेरठ में मैंने फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी चाप खाई है। और ये जो एडेड बटर रहता है ये इसको और स्वादिष्ट बना देता है। मेरा नाम अमित सैनी उप कप्तान। कल मैं यहाँ पहली बार आया तो मैं यहाँ से चाप पैकिंग करा के ले गया। मेरे बच्चे और मेरी वाइफ को बहुत अच्छा लगा, इसी वजह से मैं दोबारा आया हूँ। बहुत बढ़िया चाप मेरी, सर्व करने का तरीका बहुत बढ़िया, रसोई बहुत बढ़िया है। खाकर सभी को खाकर देखनी चाहिए, चेक करनी चाहिए। मैंने इस्लाम की सभी जगह चाप खाई लेकिन जो स्वाद मुझे यहाँ आया मुझे कहीं नहीं है। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। अब इस वक्त मेरी टेबल पर आ गई है शीतल जी की सिग्नेचर मलाई चाप। दिल्ली से लेकर मेरठ और मेरठ के अलावा और सारे शहरों के अंदर जितने भी सोया चाप आउटलेट्स हैं, ज्यादातर सोया चाप आउटलेट्स का जो सिग्नेचर आइटम होता है वो उनकी मलाई चाप होती है। और उस मलाई चाप के जायके से ही ये डिसाइड होता है कि उनके सारे कुजीन का कैसा टेस्ट है, कैसा फ्लेवर है। शीतल जी की ये जो मलाई चाप इस वक्त मेरी टेबल पर आप देख रहे हैं, देखने में बहुत टेम्पटिंग है। काफी सारा क्रीम है इसके अंदर, काफी सारा बटर है इसके अंदर, काफी सारी कैलोरीज भी हैं इसके अंदर। लेकिन मैं इसको टेस्ट करता हूँ और देखता हूँ इसका स्वाद कैसा है। साथ में हमारे पास मिंट सॉस है और सिरके वाली प्याज, चुकंदर, थोड़ा सा सैलेड। गार्निश की मैंने हरा धनिया और मेथी का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से इसका एक अलग ही कॉम्बिनेशन हो गया है। मलाई चाप के साथ इन्होंने ऑनियंस और कैप्सिकम को भी रोस्ट किया हुआ है। काफी सारे फ्लेवर्स हैं इसके अंदर, बटर का फ्लेवर भी इसके अंदर है, क्रीम का फ्लेवर भी इसके अंदर है, ऑनियंस एंड कैप्सिकम का फ्लेवर भी इसके अंदर है। और उसके अलावा खास बात इसकी है कि जो इन्होंने मेथी का विप इसके अंदर ऐड किया है उससे इस मलाई चाप का स्वाद कमाल का हो गया है, अद्भुत है ये। साथ में सिरके वाली प्याज, चुकंदर, काफी सारा बटर है इसके अंदर, काफी सारा क्रीम है इसके अंदर, काफी सारी कैलोरीज है इसके अंदर, लेकिन उतना ही उम्दा इसका स्वाद है। शीतल जी की मलाई चाप के लिए मेरी रेटिंग है 10 out of 10। शीतल जी की कमाल की मलाई चाप के बाद अब इस वक्त मेरी टेबल पर एक इनकी काठी चाप है। ये इनकी काठी है, ग्रेवी के साथ इसको कुक किया गया है, साथ में रुमाली रोटी और पाव भाजी। पहले मैं इनकी काठी चाप टेस्ट करता हूं और देखता हूं इसका फ्लेवर कैसा है, उसके बाद मैं टेस्ट करूंगा पाव भाजी को। काठी चाप के साथ थोड़ा सा मिंट सॉस और कटी हुई प्याज और एक कटा हुआ नींबू।
साथ में बिल्कुल फ्रेश रुमाली रोटी। शीतल जी की काठी चाप अद्भुत है, बहुत ही बढ़िया है। खास बात इसकी है कि इसकी जो ग्रेवी है, इस ग्रेवी को जिस तरीके से बनाया गया है, परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्पाइसेस है, कमाल की ग्रेवी है ये। साथ में जो काठी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसके अंदर पनीर है, इसके अंदर सोया चाप है, इसमें टोमेटोज भी हैं और साथ में एक पीस कॉर्न का भी है। काफी सारे फ्लेवर्स इसमें ऐड किए गए हैं। हल्का सा केवड़े का विश है इसके अंदर, जिसकी वजह से इसका स्वाद बहुत बढ़िया हो गया है। रुमाली रोटी के साथ काठी चाप और साथ में इनका मिंट सॉस, कमाल का कॉम्बिनेशन है ये। शीतल जी की काठी चाप प्लेटर के लिए मेरी रेटिंग है 9/10। अब बारी है पाव भाजी की। काफी सारा बटर है पाव भाजी के अंदर, साथ में थोड़ा सा मिंट सॉस है और थोड़ा सा सैलेड है। पाव के अंदर बटर की महक मुझे महसूस हो रही है, फ्रेश बटर की महक। काफी सारे बटर के अंदर इस भाजी को तवे के ऊपर कुक किया गया है, साथ में ये बिल्कुल फ्रेश पाव है। बटर के अंदर इसको हल्का सा फ्राई किया हुआ है। साथ में थोड़ा सा मिंट सॉस, काफी सारे वेजिटेबल्स हैं भाजी के अंदर, मटर भी हैं, टमाटर भी हैं। जायका इसका उमदा है, जैसा यूजुअली पाव भाजी का जायका होना चाहिए, तकरीबन वैसा ही जायका है इसका। शीतल जी की पाव भाजी के लिए मेरी रेटिंग है 8/10। अब फाइनली मेरी टेबल पर आ गए हैं मेन कोर्स के ये दो आइटम्स। मेरे पास एक दाल मखनी है और एक चंगेजी चाप है। ब्रेड में हमारे पास लच्छा पराठा है, बटर नान है और मिस्सी रोटी है। उत्तर भारत में पंजाब से लेके दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके में मिस्सी रोटी बहुत ज्यादा खाई जाती है और खास तौर से जो नॉर्थ इंडियन फूड होता है, नॉर्थ इंडियन कुजीन होता है, उसका हिस्सा होती है मिस्सी रोटी। हमने मेरठ शहर के काफी सारे फूड जॉइंट्स के अंदर दाल मखनी टेस्ट किया है। अब मैं देखता हूँ शीतल जी की दाल मखनी, इसका कैसा जायका है। दाल मखनी के अंदर मक्खन भी है, क्रीम भी है, साथ में मिस्सी रोटी। सिरके वाली प्याज, मिंट सॉस, बहुत उम्दा है दाल मखनी। काफी समय तक इसको कंटिन्यूसली पकाया गया है, दाल को बहुत अच्छे से मिक्स किया गया है, बहुत ही माइल्ड स्पाइसेस हैं और क्रीम की वजह से बहुत ही स्मूथ फ्लेवर है इसका, बहुत उम्दा है। ये जो पूरा इलाका है दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक, इस पूरे बेल्ट के अंदर जहां पर भी मैंने दाल मखनी टेस्ट की है, मुझे बहुत उम्दा दाल मखनी खाने को मिली है। दाल मखनी के लिए मेरी रेटिंग है 9/10।
दाल मखनी के बाद अब मैं देखता हूँ इनकी चंगेजी चाप कैसी है। साथ में हमारे पास लच्छा पराठा भी है और बटर नान भी है। तकरीबन वही सारे मसाले इन्होंने इसमें इस्तेमाल किए हैं जो चंगेजी चिकन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तवे के ऊपर इसको बनाया गया है टोमेटो की ग्रेवी के अंदर और कोशिश ये की गई है कि इसका जो फ्लेवर है ओरिजिनल चंगेजी चिकन के जैसा रखा जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि चिकन की जगह इन्होंने सोया चाप का इस्तेमाल किया है। शीतल जी की चंगेजी चाप के लिए मेरी रेटिंग है 8/10। चंगेजी चाप के इसी जायके के साथ जायके के सफर के इस एपिसोड को हम कंप्लीट करते हैं। अगले एपिसोड में किसी और फूड डेस्टिनेशन से हम आप तक पहुंचाएंगे कुछ और चटपटे मजेदार लाजवाब जायके। मेरठ के शीतल जी में जायके के सफर का यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जायके के सफर के जो भी नए एपिसोड आए उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मेरठ की नई सड़क से शीतल जी से नेटवर्क 15 पर आप देख रहे थे सफर जायके का मेरठ फूड ड्राइव।